से पहले आई थिंक परी 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 हाँ ये परी कैसी है? उड़ के आई हूँ अभी ये भी है पिक्चर में जी. मुझे लगा मैं एक और टू हीरोइन फिल्म नहीं करूंगी. मुझे नहीं लगा मैं आयुष्मान के साथ एक दो हीरोइन फिल्म करूंगी. अभी मुझे पूजा के साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा. पूजा से जलन अभी खत्म हो रही है नहीं हो रही है? हाँ? पूजा से जलन खत्म हुई कि नहीं? नहीं, उसकी आवाज मुझसे ज्यादा मीठी है. आए, बहुत जलन हो रही है. आप देखिए अब पूजा को तो मतलब सुन सुन के अब सब लोग हावरे बावरे हो गए. पूजा को तो अब देखने आए, लेकिन आपसे पहले हम कुछ खास बातें जो जानना चाहते हैं, क्योंकि इसी पूजा में एकता भी है, कर्म की ही पूजा भी है, हर कोई यहाँ पर है. तो हम पहली बार हमने वो देखा, मुझे खुद से प्यार पहली बार हुआ. आए, क्या बात, एक सही तरीके में. और ये ऑफ कोर्स ये ड्रीम गर्ल 2 एक ऐसी ड्रीम कहानी है हमारी, जो ड्रीम गर्ल पहली वाली देखने के बाद आपको मन करेगा देखने के लिए ये भी, क्योंकि जैसे हमने सुनी थी कहानी, जो नरेशन ली थी, तो इट वाज लाइक ये तो यार होना ही चाहिए. इट वाज लाइक अ वेरी ऑर्गेनिक सीक्वल टू ड्रीम गर्ल. एंड यहाँ पर ये सब कास्ट यहाँ पे मौजूद है, एंड ये फिल्म इनके बिना होना नामुमकिन थी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राज शांडिल्य, मतलब इनकी और मेरी ट्यूनिंग अलग लेवल की है. और जब ये नरेशन देते हैं, जो भी लिखते हैं, जो क्रिएट करते हैं, absolutely fantastic. He's one of the best directors around right now. And Ekta, what a creator. मतलब इस बार हमने जैम जो किया अलग लेवल पे किया है. एंड इनके जो ट्रू कलर्स है क्रिएटर के, वो नजर आए इस फिल्म के अंदर. एंड यू विल बी लविंग द फिल्म, डैम श्योर. एंड अनन्या पांडे, ग्रेट वैल्यू एडिशन इन द फिल्म दिस टाइम. एंड अभिषेक बैनर्जी, राजपाल यादव, इस बार स्टार कास्ट बहुत ज्यादा, बहुत ही बुफे है हमारे पास कॉमेडी का, तो आपको देख कर मजा आएगा. I don't know what to say, but ये तो कह सकते हैं कि like राज की टी-शर्ट में लिखा है, पूजा का राज है, राज की पूजा है. So राज is probably one of the most smart creators I've ever met.
ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, उसको बोलना, उसके वन लाइनर्स अमेजिंग हैं. एंड आफ्टर द सुपर सक्सेस ऑफ ड्रीम गर्ल, कोई पागल ही होता उसका पार्ट टू नहीं बना होता. आई मीन वी ऑल वांट टू नो व्हाट आयुष्मान वुड डू इन द फ्यूचर वंस ही इज दिस, ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही हैज द आर्ट टू बी मोर ऑफ अ वुमन देन मोस्ट वुमेन. पूजा के अलावा अब कोई नहीं दूजा, और हर कोई पूजा पूजा करके ही मतलब अपने नाम के कुर्ते फाड़ रहा है. लाइनर एक टाइम पे देते हुए नहीं देखे, एक बार को चार देता है. तो जब अब ये पहले सफर को हमने शुरू किया है, हर सब बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते हैं. आई रिमेम्बर व्हेन राज सर केम एंड नरेटेड द स्क्रिप्ट टू मी, आई वाज जस्ट लाफिंग, आई कुडंट स्टॉप लाफिंग. एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई सॉ द फर्स्ट ड्रीम गर्ल, मैं भी सोच रही थी कि ये कहानी आगे कैसे जाएगी. आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट इफ इट गोज फॉरवर्ड. सो आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल कि दे चोज मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड देर आर सो मेनी कॉमिक लेजेंड्स इन दिस फिल्म, एंड माई डैड हैज वर्क विद सो मेनी ऑफ देम, यू नो, लाइक राजपाल सर, मनोज जोशी सर, परेश रावल सर, माई डैड हैज वर्क विद ऑल ऑफ देम. सो आई जस्ट बीन वेरी लकी दैट आई हैव ऑल्सो गॉटन टू वर्क विद देम. सो वी हैव अ फुल ड्रीम टीम. क्या बात है राज. हाँ, मैं तो इतना भी मुश्किल नहीं था, बस पतला हो रहा था मुझे, बाकी असेंबली थी, हार्डवेयर गिरा भी, फिल्म के अंदर गिरा भी है वैसे. हाँ, अच्छा. कहाँ कहाँ तक, दैट इज द क्वेश्चन. नहीं नहीं, वो आपको ट्रेलर में नजर आया आज, मतलब वो कॉमेडी ऑफ एरर्स होगा इसमें, और आपको नजर आएगा कैसे असेंबल्ड हूँ मैं पिक्चर के अंदर, और यही असेंबलमेंट से कैसे लोगों को मैं फिर से चकमा देता हूँ, अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपने लुक से भी. लुक से भी तुम इतना जो सीरियसली, आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या केरन, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं. क्या आपको सिर्फ एक्टर की चीज मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया अपने? देखो, एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर है, उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से करवा ली है, और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले. यही मेरा एक एक अंदर से एक एस्पिरेशन है, ड्रीम का, ड्रीम गर्ल का, बिल्कुल. सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन, गुड टू सी पीपल हु आर एक्सेप्टिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, जो सोशल कॉजेस पे या फिर जो एक स्टीरियोटाइप पर हम हमेशा कुछ कहने की कोशिश करते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट द मैसेजिंग इन द फिल्म, इट्स मोर फन. यहाँ कॉमेडी ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है एक्टर्स लाइक कमला हसन सर, चाची 420, या फिर गोविंदा जी, आंटी नंबर वन. तो काफ़ी एक्टर्स ने, किशोर दा ने किया है एक टाइम पर, तो एक समय समय पर हर एक युग में ऐसे रोल करने के मौके मिले हैं एक्टर्स को. एंड आई एम ग्लैड मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली, जिसके थ्रू आई थिंक बहुत कुछ कहने को भी है फिल्म के अंदर, बट इट्स ऑल इन अ वेरी लाइट हार्टेड फन वे. फिल्म मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे, बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में असेंबल्ड जैसे मैं था. हेलो, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट हीरोइंस गो थ्रू. ऑफ कोर्स, आई वाज द वन हु वाज असेंबल्ड, राइट? या टोटल रिस्पेक्ट. आई थिंक ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, मतलब एक एम्पैथी होती है वो और जाग चुकी है, और मुझे लगता है हर एक लड़के को एक कोशिश करनी चाहिए एक बार कभी ना कभी उनके उनके शूज में कदम रखकर जानने की क्या क्या बीतती है. इनपुट्स नहीं दिए मैंने, एक्चुअली उनसे बहुत सीखा, जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, आई वाज फुली लाइक हाउ आर यू मूविंग लाइक दैट, आई वाज ट्राइंग टू कॉपी हिम. तो मैंने कोई टिप्स नहीं दिए, ही इज एक्चुअली गिवन मी टिप्स ऑन हाउ टू हैव मोर अदा. या थैंक्स अनन्या. हेलो, द चैलेंज फॉर मी, आई थिंक द चैलेंज वाज फॉर हिम, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग, आई वाज मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. एंड मुझे एक्चुअली आयुष्मान के साथ शूट करने में बहुत मजा आया, बट आई थिंक पूजा के साथ ज्यादा मजा आया. Hello, Rasu. I think it will always be content. Of course, this is the generation, this is the era where content will always shine. And I'm glad that medium budget films are doing well now. It was not the case last year, but this year the scenario has changed. It was like a welcome change. And this will always be a wave. And I'm glad last three films have done well at the box office. So I'm really excited about Dreamville 2. ऑडिशन और वो लेडी थोड़ी एल्डरली थी, वी नीडेड एन एल्डरली पर्सन फॉर द रोल, एंड वी वर लाइक ओके, बट यू नो इज शी टू ओल्ड, विल दिस रोल बी टू चैलेंजिंग फॉर हर. मैंने राज को पूछा इनकी एज क्या हो सकती है, इसे बस भगवान से 2-3 दिन छोटी. राजपाल,
I don't think ये आज का issue है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long you know, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. Fog didn't recognize me. That was the funniest. Seriously, you know, like तुम्हें तो smell करके आ जाना चाहिए, but he didn't recognize me. But that's because you put the girl perfume. I used to put a girl perfume to just बहुत मैं कैरेक्टर में और बहुत मेथड में चला गया था. मैं अपनी मैनेजर या अपनी अपनी मेकअप आर्टिस्ट का परफ्यूम लगा लेता था अपने ऊपर ताकि फीलिंग वैसी है. सो या इट वाज हार्ड टू बिलीव फॉर देम. आई थिंक दे वंस केम ऑन द सेट एंड दे कुडंट बिलीव इट इट वाज मी. सो मुझे मैंने बोला कि मेरी कॉम्पिटिशन अनन्या पांडे है मेरे सामने ही, मुझे उतना ही खूबसूरत करना है उसके अंदर. तो कोशिश वही रही है मेरी एंड आई थिंक दे विल बी प्राउड ऑफ इट. लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारी फिल्म के अंदर कास्ट होते और यही बात हमारी फिल्म के अंदर करते तो राज जी इनको अलग तरीके से पेश करते हैं आपको. हाँ आप सवाल ये कि आपने पहले मेल वाला वर्जन किया या फीमेल वाला वर्जन किया? मैं दोनों साथ में किया है. मेल वाले वर्जन में भी इतनी इतना ज़्यादा मसल नहीं है, बहुत लीन और मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है. अगर मैं बस कार्डियो करूं और थोड़े काप छोड़ दूं तो अपने आप ही पतला हो जाता हूं. एंड ऑफ कोर्स मसल गेन मैंने चाहे चंडीगढ़ के आज के पहली फिल्मों में किया है, बट आई थिंक इस फिल्म के लिए मुझे लूज़ करना बहुत ज़रूरी था. एंड जैसे मैंने बोला पहले फिल्म के अंदर ही बोला कि असेंबल्ड भी हूँ तो काफ़ी मदद मिली. वी एफ एक्स भी होता है ऐसी बात नहीं. What were the attributes or the qualities that you would look for in a woman at that point of time? Or apni better half ka zikr mat kijiyega. Kyun aap sir mera ghar pe aise baat? Better half ka zikr karna padega, lekin wahi hai. Sabse pehle I think ek bacche ke liye dream girl uski maa hoti hai, uske baad uski maashooka hoti hai. Lekin ek tarike se ye hota hai ki aap हमेशा कुछ characteristics हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो या लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का. काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है तो वो ये मर्दों के लिए भी सेम ही है. ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज़ होती हैं मुझे लगता है. एक हया जैसे होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो. सो आई थिंक इट्स ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनन्या जी पहली फिल्म में हमेशा हम ऑडियो सुनते थे पूजा का, अभी हम वीडियो लेके आए यानी कि सामने पूजा दिख रही है, ये इस बिग पार्ट. और एक व्यक्ति विशेष में जो लड़का बनता हमने देखा हुआ, वो ऐसा लड़की बन के आए, सो दैट्स अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ दिस. अभिषेक ये स्क्रीन पे आते हैं लोग खुश हो जाते हैं कि ऐसे यूनिक एक्टर हम नए नए याद करते हैं, कोशिश करते हैं, लड़के से लड़की बन जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है. उनका हर शॉट अलग है. आई डोंट नो हाउ ही डज इट, लाइक हिज इम्प्रोवाइजेशन, लाइक ऑल माय बैक शॉट्स में सिर्फ हंस रही हूं. आई कुडंट कीप अ स्ट्रेट फेस अराउंड. इनके साथ एक्ट करना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभार ये ऐसी चीजें धंधा पानी बंद करवाएंगे, धंधा पानी बंद करवाएंगे. बहुत आप समझ नहीं पा रहे हंसी कैसे रोके इनके साथ, बहुत मुश्किल. तो कमिंग डायलॉग फिल्म का विजयराज जी का एक डायलॉग है जो बहुत लोगों पे आई वांट टू से, तो वो फ्लॉप पिक्चर है जिसको मैंने इंटरवल के बाद देखा. इट इज माय फेवरेट डायलॉग.